एक जंगली बिल्ली जिसे ना तो डर इस भयानक मगरमच्छ का है और ना ही दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा का, जो शिकार को पानी में से दबोच के बाहर निकाल ले। इसके जबड़े इतने ताकतवर है कि शेर और टाइगर तो इसके सामने बच्चे हैं। अमेजोन के जंगलों का राजा या भूत भी आप इसे मान सकते हो। ये है एक जेगुआर। खैर, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि YouTube को भी पता चल सके कि इस वीडियो को देखना फ़ायदेमंद है। इस कहानी की शुरुआत कहां से करेंगे और वो कहां पर ख़त्म होगी, उसे देखना बड़ा ही रोमांचक होगा। तो दोस्तों, बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेजोन के इन घने जंगलों में, जहाँ दूर दूर तक इंसानों के नामो निशान तक नहीं है और सिर्फ ये घने पेड़ पौधे और खतरनाक चेहरीले जीव चारों तरफ देखने को मिलेंगे। ये अमेजोन का जंगल है दोस्तों, तुम्हारे घर के बगल का जंगल नहीं। यहाँ पर छोटा सा कीड़ा भी इतना जहरीला है कि इंसान को मिनट में मौत की नींद सुला दे, और इतने भारी ताकतवर जानवर है जो सेकंडों में किसी भी इंसान को जकड़ कर मार दे। आज इस कहानी में हमने टारगेट किया है एक जेगुआर को। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जंगली बिल्लियों में इसे गिना जाता है। इसमें ताकत है केमन और एनाकोंडा का शिकार करने की। पानी से ये बिल्कुल नहीं डरते, ये चुपचाप रहता है, और अगर आप इन जंगलों में जाते हो तो आप हमेशा इसकी नज़रों में रहोगे, और ये कभी भी आप पर हमला कर सकता है। और ये कहां से हमला करेगा उसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा। ये असाधारण सी जंगली बिल्ली कई हजारों सालों से अमेजोन के जंगलों में राज करती आई है। इतनी भयानक और ख़तरनाक जगह पर राज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए किसी भी जानवर को बहुत ज़्यादा ताकत और बहादुरी की ज़रूरत होती है, जो जेगुआर में कूद कूद कर भरी है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जेगुआर कितना ज़्यादा ताकतवर है। जब कभी भी बिल्लियों की बात होती है तो चाहे वो एक छोटी सी बिल्ली ही हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली टाइगर हो, वो किसी न किसी विशेषता की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। और जेगुआर की भी कुछ ऐसी ही विशेषताएँ हैं जिन्हें आज हम समझने वाले हैं। जेगुआर आज इतना ज़्यादा फेमस है उसका कारण है इसका शरीर। खैर, शरीर के बिना कोई सा भी जानवर फेमस कैसे हो सकता है। एक जेगुआर जो होता है उसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट तक होती है, लंबाई लगभग 2 मीटर और वजन लगभग 120 किलोग्राम तक होता है। इनके पंजों की लंबाई लगभग 1.5 इंच और दांतों की लंबाई लगभग 3 इंच तक होती है, और दौड़ने में ये माहिर होते हैं। ये लगभग 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, और जबड़े की ताकत सभी बिल्लियों में सबसे ज़्यादा जेगुआर की होती है। ये लगभग 1500 से 2000 PSI के बाइट फोर्स से काट सकते हैं। बायोलॉजिकली जेगुआर का शरीर अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत है, और वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, जिसकी वजह से जेगुआर आसानी से इस घने जंगल में दौड़ पाते हैं, पेड़ों पर चढ़ पाते हैं, और पानी से तो ये बिल्कुल भी नहीं डरते। अगर शिकार पानी में हो तो ये पानी में जंप लगाकर शिकार को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। पानी में ये लगभग 7 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं, और एनाकोंडा और केमन जैसे जानवरों का जेगुआर हर आए दिन शिकार करता है। इन हजारों सालों में जेगुआर ने अपने सिर को सबसे ज़्यादा विकसित किया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जेगुआर के जबड़े सभी बिल्लियों में सबसे ज़्यादा मजबूत है, और ये ऐसे एक बार में ही मजबूत नहीं हुए, ये हजारों सालों की बायोलॉजी का कमाल है। नेचर हमेशा उस जानवर को बढ़ावा देती है जो आसपास के वातावरण में घुल मिल सके, और जेगुआर ने धीरे धीरे इन केमन जैसे खतरनाक जानवरों का शिकार करके अपने जबड़ों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया है। और आज वर्तमान में उनके जबड़े इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि किसी समुद्री कछुए की सेल को भी ये आसानी से तोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं है कि जेगुआर की ये बायोलॉजी अब रुक गई है, ये दिनों दिन नई नई चीज़ें सीखती है, और ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा मजबूत और ख़तरनाक शिकारी जानवर बनते जा रहे हैं। दूसरी बिल्लियों से अलग जेगुआर की शिकार करने की तकनीक बड़ी कमाल की है। वैसे सभी बिल्लियां शिकार पर घात लगाकर हमला करती है, और जेगुआर भी घात लगाकर ही शिकार करने में माहिर होते हैं। ये एक जगह पर बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं एक परफेक्ट मूवमेंट का। जैसे ही वो मूवमेंट आता है, जेगुआर शिकार पर एक बड़ा ही जोरदार हमला करता है, और जेगुआर का वो हमला इतना ज़्यादा सटीक होता है कि केमन सेकंडों में जेगुआर का शिकार बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जेगुआर केमन का शिकार करने के दौरान केमन की गर्दन को नीचे से पकड़ने के बजाय ऊपर से क्यों पकड़ते हैं?
दरअसल ज्यादातर शिकारी जानवर किसी दूसरे जानवर को मारने के लिए सामने वाले जानवर की गर्दन पर हमला करते हैं ताकि वो सांस दबोच कर सामने वाले जानवर को मार सके। लेकिन मगरमच्छ जो होता है वो पानी के अंदर आधे घंटे से भी ज्यादा अपनी सांस रोक सकता है, और जेगवार जो होता है वो इतना ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, और वो उसने ऐसा करना कई हजारों साल पहले सीख लिया था। इसीलिए जब भी कभी जेगवार इन केमन का शिकार करते हैं तो वो शिकार की गर्दन को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से पकड़ते हैं। इससे शिकार जानवर के दिमाग का कनेक्शन पूरे शरीर से टूट जाता है और शिकार पैरालाइज हो जाता है, जिससे जेगवार के लिए केमन का शिकार करना बहुत ही आसान हो जाता है। जेगवार को आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि वो एनाकोंडा का शिकार कर रहा है। एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और उसका शिकार करना कोई मामूली बात नहीं है, और कई जेगवार भी एनाकोंडा पर जानबूझकर हमला नहीं करते, और जेगवार किसी बड़े भारी एनाकोंडा का शिकार भी नहीं कर सकता। जेगवार सिर्फ उन एनाकोंडास पर हमला करते हैं जिनका आकार काफ़ी छोटा होता है। इन सब के अलावा जेगवार अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले केपीबारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट है, उसका भी शिकार करते हैं। उसके अलावा तापीर और छोटे मोटे जितने भी जानवर जेगवार के आसपास रहते हैं वो सब जेगवार के शिकार है। खैर, ये सब तो वर्तमान की बात है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर जेगवार अमेज़न के जंगलों में पहुंचे कैसे, क्योंकि बिल्लियों की उत्पत्ति तो अफ्रीका में हुई थी। चलिए थोड़ा जानते हैं कि क्या हुआ होगा। दरअसल जेगवार कभी अफ्रीका में पैदा ही नहीं हुए। अफ्रीका में जो बिल्ली पैदा हुई थी वो धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से होती हुई एशिया तक फैली, फिर किसी कारण से वो नॉर्थ अमेरिका पहुंच गई, और ये उस समय हुआ जब नॉर्थ अमेरिका और एशिया आपस में जुड़े हुए थे, और जो जानवर नॉर्थ अमेरिका में पहली बार गया था वो कोई जेगवार नहीं था। बदलते वातावरण और खान पान की वजह से उस जानवर से जेगवार का जन्म हुआ, और ये जेगवार एकदम से बदलाव की वजह से पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में उस जानवर में बदलाव की वजह से ये जेगवार बना, और ये नॉर्थ अमेरिका से पूरे साउथ अमेरिका तक फैल गया। और जिस जानवर को आज आप वर्तमान में देख रहे हो, ये लाखों हजारों सालों का एवोल्यूशन का कमाल है। वीडियो में किसी जेगवार को देखना बस एक जानवर को देखने के बराबर है, लेकिन अगर आप इस जानवर को नज़दीक से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जानवर कितना ज़्यादा खूबसूरत है और नेचर में इस जानवर का कितना बड़ा रोल है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और वो इन जानवरों के घरों को धीरे धीरे छीन रहे हैं। पिछले 100 सालों में अमेज़न के जंगल इतने ज़्यादा काट दिए गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उस वजह से जेगवार की आबादी में भारी गिरावट आई है। पिछले 100 सालों में जेगवार की आबादी में 20% की कमी आई है, और अभी वर्तमान में जेगवार की आबादी लगभग 1,73,000 के आसपास है। अगर आपको भी लगता है कि जानवर हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप क्या कर सकते हो? आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि उन्हें भी इन जानवरों के बारे में और ज़्यादा पता चल सके और वो भी जानवरों के बारे में सोच सके। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि YouTube को भी लगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और फिर YouTube इस वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। आपके ये 5 सेकंड मेरे लिए और इन जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकते हैं, तो आप एक्शन जरूर लें। थैंक यू।